एक्चुअली हम लोग उसी दिन 25 जो अक्टूबर को जो हमारा फैमिली रेस्क्यू टीम जैसे भैया का जैसे तभी मारा और लिखा जी का सामान को जैसे रिकवर करके वहाँ से लेके आया था माउंट कैरी से हमसे, तब उसी दिन हमने रेस्क्यू टीम ने बोला हम फैमिली को डायरेक्ट ऐसे हैंड ओवर नहीं करेगा, हम विटनेस के साथ हैंड ओवर करेगा बोल के आप लोग अरुणाचल प्रेस क्लब में जो आया था, तो इसके हिसाब से हमने वहाँ पे फैमिली का सारा फैमिली मेंबर वहाँ में थे, हमने सामान को भी रिसीव किया, हमने देखा है कि वो सामान जैसे हमारा तफी मरा मेरा भैया है उस जो जैसे सामान घर से लेके गया था वो सामान पूरा लेके आ गया, रेस्ट मोबाइल फ़ोन और आईफोन को नहीं मिला, बाकी सामान लेके आया, तो उसी समय हमारे पास इतना हमारा मेंटल को इतना इमोशनल डोमिनेट होके रखा था कि हम आप लोगों के पास भी कुछ ज़्यादा बात नहीं बोल पाया, और उसी समय हम सीएम सर को रिक्वेस्ट की थी कि हमको कल आप मिलिए प्लीज़, हम आप एक बहन के हिसाब से और मेरा माँ एकदम बहुत नाजुक है, हम एक माँ बहुत बेहाल में है, आप एक बेटा और एक भाई के हिसाब से बल्कि सीएम की ने हिसाब से आप हमें प्लीज़ मिलिए, हमारा ग्रेवेंसेस आप तो आपके पास प्लेस करने के लिए हम कोशिश करूँगी, तो वही रिक्वेस्ट किया था, तो आज वही उम्मीद में आया था यहाँ पे, शायद सीएम सर को नहीं मिला, जब हम लोग आते तो यहाँ पे सीएम सर का गाड़ी था राजकोट गाड़ी था, तो अभी नहीं है शायद उसको बहुत ज़्यादा बिजी होगा इसलिए निकल गया होगा, पर भी हमने अपना ग्रेवेंसेस को वहाँ पे पीपीएस के पास सबमिट करके हमने ये लेके जा रहा है रिसीव करा के, हमने ये रिसीव करा के लेके जा रहा है सीएम सर का तरफ से, तब हमें इनवाइट अपॉइंटमेंट देता है और इन्होंने हमारे ग्रेवेंसेस को अच्छा गौर से देख के और क्या सजेस्ट करता है कितना एक्शन ले देता है उसका वेटिंग करो। अभी आप लोगों की तरफ से जो आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन रखा है सीएम के आगे में क्या क्या बातें रखी है वो थोड़ा बताएं। जैसे भी जैसे आप लोगों को पता है हमने मीडिया में भी बहुत सा मीडिया में भी ये बात बोल चुका है, और हमने जो कुछ ऐसे ग्रेवेंसेस नहीं रखेगा कि रेस्क्यू से रिलेटेड नहीं होने वाला कुछ भी नहीं रखेगा, हमने सिर्फ जो देखा जो सच्चाई देखा जो सहा वही चीज़ को ग्रेवेंसेस में रखा है, आज हमारा सिर्फ दो पॉइंट ग्रेवेंसेस में हुई ताकि फर्स्ट पॉइंट सेपा डीसी को इस कमी का जो डीसी सेपा को सीएम के सार्स की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक्शन ले देना है, एक्शन लेके इसका जो भी अप्रोप्रिएट इसको पेनल्टी बनता है इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन ले देना है, और दूसरा बात ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स उन्होंने हमारा भैया को मूवमेंट ऑर्डर का साथ ऑफिशियली ऑर्डर दे के भेजा है, तो जैसे ऑफिशियली ऑर्डर दे के भेजा है ऐसे वापस ला दीजिए, बस आज से अभी से इसी वक्त से शुरू करके हमको जिंदा या मरदा चाहिए, नहीं तो ऐसे इग्नोर करते रहेगा, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे शुरू हुआ ऐसे हमें नेग्लिजेंस करते रहेगा तो कल को हम गवर्नमेंट को भी बहुत दुख हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें मजबूरन डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ऑफिस में हमें अपना भैया का टेंट को लगा के हम वहाँ बैठेगा। सर मैम वहाँ ऐसे खबर आ रही है कि जैसे आपकी तरफ से कहा गया था कि जो ऑर्डर वुमेन ऑर्डर दिया गया था वो ऑन रिक्वेस्ट था और डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं था, वो तफी मारा सर ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए डिपार्टमेंट ने वुमेन ऑर्डर दिया था, तो इसको टोटली डिपार्टमेंट के ऊपर में ब्लेम करना वो सही नहीं रहेगा इसलिए खबर आ रही है। हाँ वो बात डिपार्टमेंट बोल सकता है कोई भी बोल सकता है, वो हर बात तो ये इशू में तो हर एक 10 बात बना के अपना अपना हिसाब से बोल बिजनेस में बोल सकता है वो बात अलग है, लेकिन आप लोग सबसे पहले डिपार्टमेंट का ऑर्डर को गौर कर लीजिए, आप लोगों सबको हम ऑर्डर को आप लोग सबको हम पब्लिक डोमेन में रख देगा, क्योंकि ऑर्डर ऐसे दिया है कि ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट या ऑफ रिक्वेस्ट जो भी रिक्वेस्ट ABCD रिक्वेस्ट कुछ भी रिक्वेस्ट हो रिक्वेस्ट ऑर्डर ऑर्डर है। हाँ तभी मेरा एक एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर है, वो एक एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर होने के नाते अरुणाचल में एडवेंचर को प्रमोट करना आज का ड्यूटी बनता है पहला बात, तो डिपार्टमेंट एडवेंचर के हिसाब से प्रमोशन ऑफिसर के हिसाब से वो इसको पूरा आगे ले जाना इसका ड्यूटी बनता है, वो एक वेल एक्सपीरियंस माउंटेनर है, तो वो सिर्फ तभी मारा यहाँ सिर्फ नहीं है ऑल अलग अलग आउट कंट्री में भी एक्सपीडिशन कर चुका है माउंट में सबमिट कर चुका है अलग अलग पीक में, तो इसके हिसाब से वो गवर्नमेंट के लिए काम करने गया है और ऑन ड्यूटी में गया है, तो और रिक्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट जो सही नहीं लगता है तो उसी समय गवर्नमेंट मना करना चाहिए, अभी बोल के और ऑन रिक्वेस्ट किया था बोल के अभी ऐसे हालत हो गया बोल के फैमिली को और भी ज़्यादा दिल दुखाने के लिए ऐसे बोलने से नहीं होगा, उसको हम सही नहीं मानेंगे।
ये गलत बात है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे आप ऑन रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप ऑर्डर नहीं देना चाहिए, मोमेंट ऑर्डर नहीं देना चाहिए। आप डिपार्टमेंट की तरफ से मोमेंट ऑर्डर नहीं देगा तो वो कभी नहीं जाएगा। अगर आप मोमेंट ऑर्डर दिया था तो दे रहा ही है तो आप प्लानिंग के साथ इसका साथ टीम भेजना चाहिए, इसका एक्सपर्ट टीम या कहीं से भी टीम मैनेज करके भेजना चाहिए और एकदम मैनेजमेंट करके लॉजिस्टिक सपोर्ट करके भेजना चाहिए। अभी वो ऑर्डर दे के अभी जूत बोलेगा ऑन रिक्वेस्ट में दिया बोलने से तो आप मानेगा या हम मानेगा? तो वो ऑर्डर किस लिए दिया था? इसका मतलब वो वहाँ पे इनडायरेक्ट मर्डर करने के लिए भेजा है, सीधा से बात है। लेकिन अभी हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा भैया मर गया, ऐसे नहीं बोल रहा है। मेरा भैया हम अभी भी सोचता है जिंदा है, एक ना एक दिन वापस लौट आएगा। हम वही उम्मीद में इंतजार करते रहेगा, इंतजार वही में करेगा हम लोग डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ऑफिस में करेगा। भैया का टेंट को तो हम लोग वापस लेके आ गया तो हम लोग वहाँ में टेंट लगा के वहाँ पे इंतजार फैमिली वहाँ पे करेगा। इसका मतलब आपका ये कि डिपार्टमेंट जो कुछ बचने के लिए बोल रहा है कि ये जो है ऑर्डर जो है ऑन रिक्वेस्ट में दिया गया है, आपको क्या लगता है इसमें? हम इसमें इसलिए हम बहुत कंफ्यूज में है। हम भैया का मशीन से ज़्यादा दर्द डिपार्टमेंट का ये बात से दर्द हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या चीज़ से बचने के लिए बोल रहा है? मान डिपार्टमेंट के पास अंदर क्या है वो चीज़ हम अभी जानना चाह रहे हैं। क्यों बोलने से डिपार्टमेंट ऑर्डर का साथ भेजा है, ऑर्डर भी वो ऐसे ऑर्डर दिया है, आप लोग देखिए ऐसे ऑर्डर भी ऐसे ऑर्डर दिया है कि वो ये वाला ऑर्डर नहीं दिया है। डायरेक्ट सेपा पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेपा जो इस्लामिंग का डिप्टी कमिश्नर को दिया है, डायरेक्टर यूथ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स को दिया है फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कमिंग को दिया है, थर्ड कॉपी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बामिंग, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चियांग ताजो, सर्कल ऑफिसर केनेबा लादा साबा और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ईस्ट कमिंग को दिया है। इतना तक सर्कुलेट के करने के बाद फिर लास्ट कॉपी में सीरियल नंबर 8 कॉपी में कॉपी तो तापीमरा को देता है, वो क्या लिखा है? एक्सपीडिशन एक्टिविटी खत्म करके रिपोर्ट के साथ सबमिट करो बोल के लिखा है। उतने टाइम नहीं लिखा है कि उतना समय को आने के लिए नहीं लिखा है। उसको हम डिपार्टमेंट को पूछना चाहता है और सर किस लिए टाइम नहीं लिखा है? उतना समय आप ऑर्डर दे रहा है तो क्यों टाइम नहीं दिया? इतना समय को आओ बोल के क्यों नहीं दिया? इतना एक महीना दो महीना या पाँच महीना वो आप टाइम दे टाइम के हिसाब से भेजना चाहिए। इसमें टाइम मेंशन नहीं किया, इसका मतलब आप लाइफ टाइम के लिए भेजा है ना एक महीना के लिए भेजा है, ना पाँच महीना के लिए भेजा है, एक साल के लिए भेजा है, ना लाइफ टाइम के लिए भेजा है। और जब सब जब अब डिपार्टमेंट देना पड़ेगा, अभी इसी वक्त हमको चाहिए जवाब देना पड़ेगा। हम कल से कल सटरडे पर भी हम डिपार्टमेंट ये में भी अपडेट करने के लिए कोशिश करते रहेगा और हम ये है टीम साहब से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ ये मैटर को आप प्लीज इंटरवेंशन करके सच्चाई को सामने ला दीजिए। हमको सिर्फ सच्चाई को चाहिए और बाकी बात गवर्नमेंट काफ़ी हमारा एक रिनोन पर्सन है, तापीमरा हमारा परिवार का तापीमरा नहीं, तापीमरा आप सब मीडिया का तापीमरा नहीं, तापीमरा ऑल अरुणाचल का प्रॉपर्टी है और अरुणाचल का तापीमरा से के बाद ऑल इंडियन का प्रॉपर्टी है। आप देखिए अभी भी लास्ट कैंप में इतना रिस्की जगह से इतना क्या लेके गया उन्होंने, अपना बदन भी चलने के लिए उस जगह में मुश्किल है, अपना यूथ अफेयर्स का ये को लोबो प्लेक वहाँ पे लेके गया, नेशनल प्लेक को वहाँ पे लेके गया। ऐसे इंसान के लिए आज परिवार ऐसे अकेला होना चाहिए क्या? आप सोच के देखिए, हम आज अकेला होना चाहिए? परिवार सिर्फ अकेला रहना चाहिए क्या? आप लोग ही बताइए। और अभी जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें कुछ आपने टाइम ड्यूरेशन दिया कि सीएम मिलना चाहिए तभी ऐसे कुछ बातें होगी? हाँ नहीं, टाइम ड्यूरेशन हमने नहीं दिया, हम सोचा था नहीं दिया क्योंकि ये एक अल्टीमेटम लगेगा, इसलिए हमने नहीं दिया। क्योंकि सीएम को हम 27 में हमारा परिवार की ओर से हमारा तागेन कल्चरल सोसाइटी के साथ हमने मिला था, उसी दिन सीएम सर बहुत पॉजिटिव था, इसका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव था, इसलिए हमने आज टाइम नहीं दिया है। टाइम इसलिए नहीं दिया है कि वो टाइम को कोई बनावट के अल्टीमेटम लगेगा, इसलिए हमने टाइम नहीं दिया जी। तो आप कल से टेंट लगा के बैठेंगे वहाँ पे? हाँ, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है, कल सैटरडे है, सैटरडे संडे को तो शायद रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हम मंडे से हमारा भैया का जो हम वहाँ से रिकवर किया और टेंट को लगा के, मेरा तो कोई नहीं है, माँ है, माँ अभी भी हाल में है, माँ हम बैठेगा उधर डायरेक्टर यूथ अफेयर्स ऑफिस में और इस बीच में मेरा माँ या मेरा परिवार में डिप्रेशन में आके कोई भी कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट का होगा। मैम इसके अलावा आप लोगों का जो डिमांड में जो टॉप प्रायर जो डीसी का सस्पेंशन आप लोग पहले भी ब्रीफिंग में रखा था, तो अगर ऐसा सरकार कुछ निर्णय ले ले कि सच में डीसी को इस चीज को देकर आगे सस्पेंशन कर कुछ कर दे तो आप लोगों का डिमांड सेटिस्फेक्शन हो जाएगा क्या? हाँ इसमें दो बात है। हाँ डीसी का ऊपर कार्रवाई करके हमारा परिवार का सेटिस्फेक्शन में अगर सच हमारा परिवार नहीं है, जो गवर्नमेंट डीसी को जो ड्यूटी दिया
वो ड्यूटी को ड्यूटी सही सलामत किया है कि नहीं, वो सच्चाई को गवर्नमेंट जान के कुछ एक्शन अच्छा एक्शन ले देता है तो परिवार सेटिस्फाइड होगा, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ सेंटीमेंट नहीं होगा। और दूसरा बात कंसर्न डिपार्टमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन को जैसे ढूंढना है, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन बोलेगा क्या बोलेगा, अब जैसे ढूंढना है अभी से इसी वक्त से कल से शुरू करके जिंदा या मर्दा कब ला देगा और ला देगा कब ला देगा वो टाइम दे के कुछ बताने से हम गवर्नमेंट को सेंटीमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम देखेगा आगे के लिए हम क्या करना है क्या नहीं करना है, हम वही दो पॉइंट को एक्शन ले देगा तो हम गवर्नमेंट का साथ मिलके आगे क्या करना है हम गवर्नमेंट का बात मानेगा। इस केस को लेकर आपका जो खुद का जो तगिन के वहाँ जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जो कंसर्न MLAs है लोकल लीडर्स लोग उन लोगों का अभी तक का क्या रेस्पॉन्स या कोऑपरेटिव कितना साथ दे रहे हैं केस को? इससे तो हम उसको तो हम नहीं बोल सकता है, इसको हम नहीं इसलिए नहीं बोल सकता है कि सबसे पहले टापीमारा तागिन कम्युनिटी का है, तागिन कम्युनिटी का है। टापीमारा जो माउंट एवरेस्ट में सबमिट करके जो वापस आ गई थी तो नाहरलगुन हेलीपैड ग्राउंड में सब सारा रिसेप्शन में सब आया था, सब प्रेजेंट था, उन सबको याद होगा कि हमने एक दिन टापीमारा को एकदम होनार के साथ रिसेप्शन किया था बोल के, उनको याद होना चाहिए वो चीज़ को, उनको याद होना चाहिए। और हमारा तागिन कम्युनिटी के लिए हम अभी मेरा पास कुछ बोलने के लिए कुछ जवाब सवाल भी नहीं है, जवाब भी नहीं है, हम सिर्फ दिल में रो के बैठा है बस। इसके लिए हम कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता है क्योंकि आज के डेट में हर सारा कम्युनिटी सारा सोसाइटी सब समझदार है, सब समझदार है, जो समझदार होने के साथ साथ अपना जिम्मेदारी को निभाना भूलना और वो उनका ऊपर में जोड़ता है, इससे मैं कुछ इसमें बात नहीं करूँगा। थैंक यू।